गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 300 किलोमीटर दूर व्हाट्सएप प्रेमी से शादी करने पहुंची प्रेमिका, उम्र में निकला 5 साल छोटा। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, आखिरकार अभी ये सुर्खियों में बना क्यों हुआ है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जो आज इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इस लड़की की मुलाकात, एक्चुअली में मुलाकात नहीं बोला जाएगा, हम लोग इसको ये चीज बोलेंगे कि इनका कोई रॉन्ग नंबर के चलते हुए व्हाट्सएप पे मैसेज गया। और सबीना है लड़की का नाम और लड़के का नाम अमित है, और जो लड़की है वो एक्चुअली में शाहजहांपुर में रहती है, और शाहजहांपुर से 300 किलोमीटर दूर सफर तय करके बुधवार को एक्चुअली में अपने प्रेमी अमित के घर पे पहुंची है कानपुर के परोली गांव में, और वहां पर एक्चुअली अमित से शादी करने के लिए बोल रही है। और बोला जा रहा है कि जब वो वहां पर पहुंची सबीना, तो सबीना को पता चला कि जो अमित है उसे 5 साल छोटा है, सबीना 24 साल की है। और जब उसने ये चीज देखी तो वहां पर वो धरना डाल के बैठ गई कि एक्चुअली मैं तैयार हूँ, आप जो अभी नाबालिग है, जो अमित जो नाबालिग है, मैं उससे शादी नहीं, उसके बड़े भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सबीना का कहना ये है कि जो अमित है वो हिंदू है और मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पापा ने मेरी मम्मी के मौत के बाद एक और शादी कर ली थी, और जो कि उसकी सौतेली माँ है उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करती थी, जिसके कारण वो वापस अभी घर नहीं जा सकती है। और वहां पर अमित के घर वालों का कहना यह है कि जब ये लड़की यहाँ पर आ गई, तब उनके घर वालों को भी कॉल किया गया, तब उनके घर वालों ने सबीना को लेने से इनकार कर दिया है। सबीना का कहना यह है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया नहीं है, व्हाट्सएप पे मेरी मुलाकात हुई थी अमित से और प्यार हो गया और शादी करने के लिए तैयार हो गई मैं, और यहाँ पर शादी करने के लिए आई हूँ। मैं एक्चुअली अपना धर्म चेंज करने के लिए भी तैयार हूँ, पूजा पाठ करने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं अभी शादी करूंगी तो अमित से तो नहीं हो सकती शादी, क्योंकि अमित जो है वो नाबालिग है, पर उसका बड़ा भाई है जो वो बालिग है, मैं उससे शादी करूंगी जरूर, और मैं वापिस नहीं जा सकती क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अभी अमित का पूरा परिवार काफी ज्यादा सदमे में आया हुआ है कि आखिरकार इस लड़की के बारे में किया क्या जाए। जब अमित से बात की गई तब अमित ने ये चीज बोला कि मेरी एज है और नॉर्मली मैं चैटिंग वगैरह करता था, जब हमने चैटिंग वगैरह की तो उस वक्त सबीना ने भी अपना नाम रिया बताया था और शादी वादी की कोई बात नहीं हुई थी। इसी चीज से एक्चुअली मेरी जो सबीना है वो भी इनकार कर रही है कि शादी की कोई बात नहीं हुई थी, पर प्यार तो हो गया, अभी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, वापस मैं नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, मेरी जान को भी काफी ज्यादा खतरा है। इसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर अमित का बड़ा भाई अगर मान जाता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और उसी के साथ मैं उनके रीति रिवाज जो उनका धर्म है वो भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना धर्म जो है वो पूरे तरीके से छोड़ दूंगी। हालांकि अभी क्या करना चाहिए आपकी नजर में, सबीना को और अमित के घर वालों को, क्या अभी सबीना की शादी उसके बड़े भाई से कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि किसी गलती के कारण किसी और के गले में ढोल पड़ जाता है और उसको वो ढोल जाना पड़ता है। अभी सबीना जो है वो अभी उनके गले पड़ चुकी है, अभी वो क्या करे इसके बारे में उनको भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सबीना वहां पर धरना डाल के बैठी है। आपका क्या विचार है, सबीना को क्या करना चाहिए और अमित के परिवार वालों को क्या करना चाहिए, क्या सबीना की मदद करने के लिए अमित के परिवार वालों को, अमित के बड़े भाई को क्या सबीना से शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, आपका क्या विचार है जल्दी कीजिए कमेंट, क्योंकि लड़की भी काफी पढ़ी लिखी है और अच्छे खानदान से भी बिलोंग करती है, और आगे अगर सब चीजें सही रहा तो सबीना एक्चुअली उस घर का भी नक्शा भी बदल सकती है क्योंकि लॉ की पढ़ाई करती है। आपका क्या विचार है जल्दी कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।